सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो हमारा होने वाला है रोनित के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि जब से TSM FTX डिसबैंड हुई है, तो TSM FTX के प्लेयर मिस्टर जय भाटी और ओल्ड मोक हमारे ओरंगुटान इलीट्स में ट्रायल दे रहे हैं खेलने के लिए। तो इसके कारण जो हमारे रोनित है वो अभी इस टाइम पर ज्ञान गेमिंग स्पोर्ट्स से खेल रहे हैं। इसके साथ ही ओजी रोनित के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली हेक्स स्पोर्ट को से आप लीव कर दिया था और वो अभी तक ओरंगुटान इलीट को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किए हैं। और ये आपको पता है कि मिस्टर जय भाटी और हमारे ओल्ड मोग जो हैं वो अभी ओरंगुटान इलीट में ट्रायल दे रहे हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप ट्रायल दिलाइए चाहे मत दिलाइए, ये ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत टाइम से ये अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। आप इन दोनों प्लेयर का रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ये आपको पता होगा। तो अभी रोनित के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो हेक्स स्पोर्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि उसको उन्होंने लीव कर दिया था। और जहाँ तक बात की जाए ओरंगुटान इलीट की, तो ओरंगुटान इलीट में जब से मिस्टर जय भाटी और ओल्ड मोंक आए हैं तो टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक ओरंगुटान इन दोनों को अपनी टीम में ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये ओजी रोनित के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आई थिंक ये ओजी रोनित का हेक्स स्पोर्ट छोड़ना सबसे बड़ी गलती के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मिस्टर जय भाटी और ओल्ड मोंक से अच्छे प्लेयर ओरंगुटान इलीट को कोई भी मिल सकते हैं। तो यही कुछ प्रॉब्लम है जो कि ओजी रोनित के साथ इस टाइम पर चल रही है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ओजी रोनित अभी भी ओरंगुटान इलीट के लिए हमें खेलते हुए आगे नज़र आएंगे, या फिर मिस्टर जय भाटी और ओल्ड मोंक ही ओरंगुटान इलीट में आगे खेलेंगे और ऑफिशियली भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस मैटर के बारे में आप क्या सोचते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।